दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गैंगस्टरों और गैंग के सदस्यों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया। इसके तहत पुलिस ने दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में सक्रिय कई आपराधिक गैंग के बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने कई गैंग के 16 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनसे पुलिस ने 10 पिस्टल और 56 कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि स्पेशल सेल ने विशेष अभियान के तहत कई टीम गठित की थी। सभी पुलिस टीम बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे चुकी थी। शुक्रवार को निरीक्षक विनय पाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने दिल्ली और जालंधर गैंग से महिला समेत 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 2 पिस्टल, 1 दर्जन कारतूस बरामद किए गए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए बदमाशों में 3 शार्प शूटर हैं। गिरफ्तार महिला समेत 2 सोशल मीडिया के जरिए गैंग में सदस्यों को भर्ती करने और गैंगस्टरों की ओर से शूटरों को निर्देश देने का काम करते थे। साथ ही वो हथियारों का इंतजाम भी करते थे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि निरीक्षक शिव कुमार और सतीश राणा की टीम ने शनिवार रात को 5 शूटरों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने 4 पिस्टल और 3 कारतूस बरामद किए। शूटर विरोधी गैंग के सदस्यों की हत्या की साजिश रच रहे थे। गिरफ्तार बदमाशों पर पहले से 4 हत्या की कोशिश, लूट, उगाही और शस्त्र अधिनियम के तहत मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार बदमाशों में से 2 रोहिणी में जबरन वसूली के लिए गोली मारी, रेवाड़ी हरियाणा में हत्या की कोशिश के मामले में वांछित थे। निरीक्षक विनय पाल, अरविंद सिंह और मनोज कुमार की टीम ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने पिस्तौल और 5 कारतूस बरामद किए हैं। निरीक्षक आलोक मौर्य और शिवराज रावत की टीम ने हरियाणा के एक बदमाश को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से पिस्टल और 5 कारतूस बरामद किए हैं। बदमाश दिल्ली, हरियाणा और यूपी में 20 वारदातों में शामिल रहे, जबकि निरीक्षक पवन कुमार और सतविंदर की टीम ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से पुलिस ने 2 पिस्टल और 4 कारतूस बरामद किए हैं। पिछले कई दिनों से दिल्ली, NCR, हरियाणा और पंजाब में गैंग वॉर की घटनाएं बढ़ रही हैं। कहीं नीरज भवाना गैंग, कहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग, तो कहीं गोगी गैंग और टिल्लू गैंग आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से आम जनता की हालत खराब है और कहीं ना कहीं गैंग वॉर हुआ करता है।